और देखिए उससे पहले बड़ी खबर हमारे पास है, उससे आपको जल्दी से हम रूबरू करवा दें, कन्नौज से है। कन्नौज सीट पर इंडिया एनडीए में जंग। देखिए कन्नौज से अखिलेश यादव ने पर्चा भरा है। सुब्रत पाठक बोले हैं कि भारत पाकिस्तान मैच जैसा अब कन्नौज में मुकाबला होगा, तेज प्रताप से भारत नेपाल जैसा मैच होता, सुब्रत ने यह कहा। अखिलेश ने सुब्रत के बयान का जवाब दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की ही बात करते हैं उन्होंने कहा, और साथ ही बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते, हम समाजवादी 6 बॉल पर 6 छक्के मारेंगे, अखिलेश यादव ने कहा के सुब्रत न बैट उठा पाएंगे और ना ही बॉल फेंकने लायक बचेंगे। कन्नौज में अखिलेश और सुब्रत में सीधा मुकाबला के। तो आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है अखिलेश यादव ने, अचानक से वो सामने आए और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और दूसरी ओर सुब्रत पाठक ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। रोचक होना चाहिए, अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। जो पहलवान हारने लगता है फिर वो छटपटाता है, वो भागता है, फिर इसी तरह के काम करता है जो तो आप बता रहे हो। अरे भाई कन्नौज से क्या लेना देना भारत पाकिस्तान का, क्या लेना देना बताओ कन्नौज से। देखिए पहले हाँ फिर ना, बार बार ये अखिलेश यादव ऐसा क्यों करते रहे, कंफ्यूजन कहाँ पर है, इस पर आइए विस्तार से बात करते हैं, आपको कुछ डिटेल्स है उसे रूबरू करवा दे। देखिए पहले ना फिर हाँ, अखिलेश को कंफ्यूजन कहाँ पर है, तेज प्रताप यादव को टिकट दिया 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद अचानक से चर्चा हुई अखिलेश यादव के नाम को लेकर। 23 अप्रैल को बड़े नेताओं ने फैसले पर सोचने को कहा अखिलेश यादव से, उन्होंने कहा कि इस फैसले पर आप विचार कीजिए, और 23 अप्रैल को ही नामांकन डॉक्यूमेंट पर रात में साइन हुआ। और उसके बाद देखिए 24 अप्रैल को अखिलेश के नामांकन की औपचारिक घोषणा कर दी गई। इसके बाद आज अखिलेश यादव ने पर्चा भरा, वो तस्वीरें आपने देखी, जीत का दावा अखिलेश यादव करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि जीत समाजवादी पार्टी की होगी। वीरेश पांडे का सीधे रुख कर लेते हैं, वीरेश ये कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी को या फिर अखिलेश यादव को कहां पर और क्यों रहा, पहले ना फिर हां उसके बाद आज उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। देखिए जो चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में पहला लोकसभा चुनाव लड़ रही है, और ऐसे में उनका जो एक नेतृत्व था, उनका एक जो गाइडेंस था, वो अब अखिलेश यादव, शिवपाल और रामगोपाल को नहीं मिल रहा है। ये पहली बार ऐसा होगा कि जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है इतने प्रत्याशी बदल दिए गए, नोएडा में था यहां बदल दिया गया, मेरठ में बदल दिया गया, शिवपाल को बदल दिया गया, धर्मेंद्र को बदल दिया गया, तेज प्रताप को बदल दिया गया, एसटी हसन को बदल दिया, कितने कितने नाम बताऊं। और इस अदलने बदलने का दुष्परिणाम यह होगा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में गजब का कंफ्यूजन है, और इसका असर जो बूथ लेवल पर जो वोटिंग हो रही है उसमें भी देखने को मिल रहा है। और जो कन्नौज की का जो फैसला है अखिलेश यादव का, ये उनके लिए उतना ही घातक होगा जितना हम कह सकते हैं, इस लिहाज से कि अगर कन्नौज में अखिलेश यादव कहीं हारते हैं तो यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े नेता की हार होगी और विपक्ष पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। इस बात पे मैं गौर करके कहना चाह रहा हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।